किसान यूनियन के बैनर तले आज फिरोजाबाद के सैकड़ों किसानों ने जिला मुख्यालय पर भूख हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया। किसानों की मांग की है झेड़ा झाल परियोजना में जिन किसानों की भूमि को सरकार ने ली थी उसका मूल्य ठीक से नहीं दिया था, बल्कि सरकार ने बलपूर्वक जबरन रजिस्ट्री करा ली थी। भूमि का 4 गुना मुआवजे की मांग को लेकर यह किसान आंदोलित है। जो नहीं मानेगा झंडे से वो मानेगा डंडे से, या हम नहीं कह रहे हैं, ये तो धरने पर बैठे सैकड़ों किसान नारा लगाकर सरकारी अफसरों को जगाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। धरने पर बैठे यह सैकड़ों किसान फिरोजाबाद जिले के हैं। इन सैकड़ों किसानों की मांगे तो सरकार ने झेड़ा झाल परियोजना यानी फिरोजाबाद में मीठा पानी लाने के लिए सरकार ने सैकड़ों किसानों की जमीन को खरीदा था। किसानों की जमीन को सरकार ने कौड़ियों के भाव जबरन रजिस्ट्री करा ली थी। कहा था किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। किसानों की जमीन का सही दाम न मिलने पर आज फिर फिरोजाबाद के किसानों ने सरकार के खिलाफ लामबंद होकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस दौरान किसानों ने यह भी ऐलान कर दिया कि सरकार ने उनकी जमीन का 4 गुना मुआवजा नहीं दिया तो फिरोजाबाद जिले के सभी नहर और नालों को बंद कर दिया जाएगा, चाहे इसका कोई भी परिणाम हो। ये जेड़ा झाल को लेकर समस्या है। 57 गांव की जमीन सरकार ने कौड़ियों भाव में ली है, किसी किसी को 1 गुना मुआवजा और किसी को 4 गुना मुआवजा। तो हम ये पूछते हैं, पूर्व सरकार के जो 14 से 13 से ये परियोजना चालू हुई तो किसी किसी को 1 गुना मुआवजा दिया है और किसी को 4 गुना मुआवजा दिया है। तो सारे किसानों की मांग ये है कि 4 गुना मुआवजा मिलने चाहिए। और मई तक कुछ किसान ऐसे भी हैं कि बैनामा हुए नहीं है और नहर खुद चुकी है, और हम लोग काफी समय से धरना दे रहे हैं और आज तक डीएम साहब एडीएम साहब ने काफी अनुशासन दिया है कि सारे किसानों को मुआवजा मिलेगा। अभी पिछली 3 महीना पहले जब धरना हुआ किसानों का तो ये बताया कि सभी मुआवजा तैयार है सारे किसानों का, पर आज तक मुआवजा दिया नहीं गया है। तो इसलिए भारतीय किसानी के लोग और भानु के लोग आज से भूख हड़ताल पर धरना पर बैठे हुए हैं। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक लोग हम लोग हटने वाले नहीं है, चाहे मौत हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए।